हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पहल न्यूट्रिशन वाला, जो कि आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट करता हूं और फिट रहने के तरीके बताता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फूड को लेके, डाइट को लेके, कि हमें कितना खाना है और क्या खाना है और किस टाइम खाना है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई हम ये खा लेंगे तो ऐसी हमारी फिटनेस हो जाएगी, और आज का टॉपिक हमारा ये आम इंसान के लिए है, फिटनेस मॉडल के लिए नहीं है, बॉडी बिल्डर के लिए नहीं है। आम इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है और वो भी फिट रहना चाहता है। आम इंसान कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन फिट होना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपना वेट भी गेन करना चाहती हैं और स्वस्थ रहना चाहती हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टोरों पे आते हैं तो बोलते हैं कि सर हम पूरे पूरे दिन खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी को फिर भी नहीं लगता है, वो आपकी कमी है। तो कई बार मैं पूछता हूँ कि आप क्या खाते हो पूरे दिन, कि मैं 10 रोटी खा लेती हूँ। 10 रोटी खाना मैटर नहीं करता, किस टाइम कितनी डाइट लेनी है और आपको क्या खाना है ये मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्या गलतियाँ करते हो अगर आपको वेट गेन करना और स्वस्थ रहना है। एक तो आप सुबह उठते ही सोचते हो कि भाई मम्मी एक मग्गा भर के चाह खा लिया है, जबकि आपको उस टाइम आपको पानी पीना चाहिए, ताकि पानी पियोगे आपका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा फास्ट होगा और उसी तरीके से आप जो कुछ भी खाओगे आपको लगेगा। दूसरी कमी है हमारी कि हम वर्कआउट नहीं करते हैं, एक बिल्कुल कि जब सूरज आ जाता है ना अपने ऊपर तब हम उठते हैं, नहीं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपका दिनचर्या अगर अच्छे तरीके से पूरा दिन अच्छे तरीके से आप बिताओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। और ये भी गलतियाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी आजकल तो हो रहे हैं कि शाम को उनको फास्ट फूड गोलगप्पे चाउमीन चाहिए, जबकि आप कभी कभार ले सकते हो, हर रोज लोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही नीचे डाउन हो जाएगा और आप कुछ खाओगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब जो मैंने कमियां बताई हैं, अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या पूरी दिनचर्या बताऊंगा मैं आपको, जो सुबह से लेकर और शाम तक आप उसको बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हो। ये मत सोचो कि आप जॉब करते हो तो नहीं फॉलो कर सकते, आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो अगर आपकी अपनी मेंटेलिटी स्ट्रोंग होगी कि मुझे ये करना है तो आप वो कर सकते हो। तो जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आपको 2 गिलास पानी पीने, 2 पिलो 1 पिलो आपके ऊपर डिपेंड है, ताकि मैंने बताया था आपको याद होगी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका वेट भी जल्दी से ग्रोथ होगा, और अगर आप पानी पियोगे तो अच्छी तरीके से आपका पेट भी साफ होगा। जैसे ही पानी पी के आप फ्रेश होगे, उसके बाद अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो, सुबह वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हार्मोन्स भी बूस्ट रहते हैं और हमारा जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश रहता है और वर्कआउट करने का अलग ही मजा है। तो जैसे आप सुबह वर्कआउट करोगे, खाली पेट वर्कआउट ना करें प्लीज, अगर आप खाली पेट वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। आप कुछ खाओ, पानी पिया फ्रेश हुआ, उसके बाद आप ले सकते हो, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप ले सकते हो थोड़ी दही और आलू ले सकते हो, उससे क्या है कि हमें कार्ब भी मिल जाएगी और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो अप हो जाएगा और वर्कआउट करने का अलग ही मज़ा होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको 2-3, आप सुबह आलू और दही ले सकते हो, अगर आप ये नहीं ले सकते तो फिर आप ले सकते हो दही और बनाना, और अगर फिर भी आप ये नहीं ले सकते हो तो फिर आप ले सकते हो ओट्स और साथ में 2 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और साथ में पीनट बटर लगा के आप ले सकते हो। इन तीनों डाइटों में से आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 3 डाइट बता दी। अगर आपको वेट गेन करना है तो अच्छे लेवल का वेट गेन होगा, ज़्यादा फैट नहीं आएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वर्कआउट करने के बाद, जैसे वहाँ वो खाने के बाद 40 मिनट बाद आप वर्कआउट करो, जैसे ही आप 40 मिनट बाद वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी बिल्कुल फुल एनर्जी में हो जाएगी, और उस एनर्जी को आप अपने वर्कआउट में लगाओ, ठीक है। तो जैसे ही आपका वर्कआउट हो जाता है, वर्कआउट के बाद आपको क्या लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है आपके लिए वर्कआउट करते ही, आप या तो प्रोटीन ले सकते हो, अगर आपका प्रोटीन का बजट नहीं है तो टेंशन मत लो भाई, वैसे भी डाइट बताएंगे, तो या फिर आप मौसमी का जूस ले सकते हो। मौसमी का जूस भी नहीं ले सकते तो आप बनाना शेक ले सकते हो, तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो ना, और उसके तुरंत बाद कुछ ना खाए। 1 घंटे के बाद आपको क्या खाना है, आप चिकन ले सकते हो, अगर आप नॉनवेज नहीं खा सकते तो आप पनीर ले सकते हो, ज़्यादा पनीर खाने की ज़रूरत नहीं है, 200 ग्राम 250 ग्राम पनीर आप ले सकते हो, ठीक है ना। और उसके 2 घंटे के बाद, अच्छा पनीर के साथ और चिकन के साथ आप सलाद ज़रूर ऐड करना, ताकि बॉडी में पूरा फाइबर मिलेगा और मसल क्वालिटी भी अच्छी आएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। उसके 2 घंटे के बाद आप ज़्यादा नहीं, 4 रोटी ले लो, सलाद ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी में आप दाल ले सकते हो, कोई भी सब्जी ले सकते हो, शीत ले सकते हो साथ में, ठीक है, ये बेस्ट है। दही ले सकते हो आप,
ठीक है, और उसके बाद आपने फिर 2 घंटे के बाद फिर आपने लेना है। काले चने ले सकते हो, थोड़े बहुत बादाम अखरोट वगैरह यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश करना आप काले चने एक दिन पहले भे के रख देना और अगले दिन आप खा सकते हो। तो अब आ जाती है डिनर की बारी। डिनर में जितना उसके हम लाइट अगर हम डाइट लेंगे, हल्का खाना लेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप उसमें राइस ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, या फिर आप 2 या 3 रोटी ले सकते हो और उसमें सलाद भी लोगे तो और बेस्ट रहेगा आपके साथ, ठीक है। और रोटियों के साथ तो आप दूध ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोने से आध घंटा पहले इस डाइट को आप ध्यान से सुनो, सोने से आध घंटा पहले आपको 1/2 किलो दूध लेना है और 2-3 अखरोट लेने हैं, ठीक है। और ये डाइट लेके सोओगे तो आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 15 से 20 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यूज करो, 1 या 2 दिन खा के मत देखो, आप रेगुलर 15 से 20 दिन मेरे बोलने से, पर्सनली बोलने से आप उस चीज़ को फॉलो करके देखो। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ जो कि पूरे दिन में मैं बताना चाहता हूँ कि 4 से 5 लीटर पानी आप ज़रूर पिए, ठीक है ना। 4 से 5 लीटर पानी पियोगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे दोस्तों तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बूस्ट नहीं होंगे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो हमारी बॉडी को खाया पिया नहीं लगेगा। अच्छा, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर भी खाया पिया नहीं लगता तो आप एक चीज़ जो मैं यूज करता हूँ, मोहन सर यूज करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, कई बार होता है हम खाते पीते हैं हमें लगता नहीं है, उसके लिए मैं 1-2 प्रोडक्ट आपको बताना चाहता हूँ, भले आप लो या ना लो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे ये है गेट की लीवर, आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ले सकते हो सुबह भी और शाम को खाना खाने के बाद 1 टैबलेट ले सकते हो। जैसे ये है डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का काम क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में लगता नहीं है, और लगता है तो फैट में लगता है, लेकिन ये क्या करेगा, आप कुछ भी खाओगे हमारी बॉडी में लगेगा और एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप ये ले सकते हो, बेस्ट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर लीवर की बात करें, लीवर इस कंपनी का भी है, इसका भी, जो आपका बेस्ट लगे। ये थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा कम कॉस्टली है, और इसमें MG भी फालतू है, तो आपको जो इन में से बेस्ट लगे आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही प्यार देना और शेयर करना वीडियो को, ताकि जो चीज़ आप देख रहे हो और दूसरों को भी दिखने को मिलेगी और उनकी भी बॉडी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बॉडी को ग्रोथ कैसे करें, खाया पिया नहीं लग रहा तो कैसे लगे।